हम इस वक्त मौजूद है जिले डल में, जहाँ पर एक ऐसी शख्सियत रहती है जो परिंदों से मोहब्बत करता है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन करनाई, जो कहीं टाइम से जो है यहाँ पर बर्ड्स को जो है फीड करता है। टाइम टू टाइम यहाँ पर बर्ड्स आते हैं और मोहम्मद यासीन उनको फीड करता है। इन्होंने एक छोटा सा रिजॉर्ट यहाँ पर बनाया, बर्ड रिजॉर्ट। मोहम्मद यासीन के साथ हम बात करेंगे इस हवाले से, कैसे उनको ये आइडिया और क्या करते थे। मोहम्मद यासीन, अपने बारे में पहले हमें बताइए, आप क्या करते थे? मैं एक टूर ऑपरेटर था, आई हैड मेरा ट्रैवल एजेंसी थी दिल्ली में, और मैं ट्रैवलरों को घुमाता था और उनको घुमाते घुमाते मैं भी एक ट्रैवलर बन गया। तो ये शॉर्टकट है कि मैं क्या था। तो बाकी मैं यहीं से, पैदाइश मेरी है श्रीनगर से, डल लेक से, और ये जो पैशन है ये मेरी अम्मी जान से है, माई मदर, जो कि इनको फीड करती रहती थी। तो वहीं से मेरा ये इंस्परेशन आया। और सबसे बड़ी ब्यूटीफुल जगह चीज़ जो है कि मैं यहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ, रेस्ट एक झील में, क्योंकि ये भी एक गिफ्ट है कि यहाँ पे पैदा होना और यहाँ पे रहना। तो बाकी दुनिया देख के मैं वापस आया, मैंने अंडरस्टैंड किया कि ये जो जगह है मेरे लिए बहुत खास है। तो कब से आप ये बर्ड फॉरेस्ट रिजॉर्ट चला रहे हैं? ये जो बर्ड फॉरेस्ट, हम तो बचपन से ही बर्ड फॉरेस्ट में ही रहे हैं, बच्चे बड़े भी हुए हैं, अम्मी फीड करती थी इन बर्ड्स को। तो मैं तो यहाँ पे खाली हाईलाइट नहीं था यहाँ पे कि ये बर्ड फॉरेस्ट या कोई नाम नहीं था। बाकी जो कि यहाँ के जो हमारे पास ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आते थे, यूरोपियन आते थे, अमेरिकन आते थे, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जहाँ जापानीज भी आते थे, तो वो यहाँ पे बताते थे ये बर्ड वॉचर प्लेस है। तो हम ध्यान ज़्यादा नहीं देते थे क्योंकि हमारे को पता था कि ये आए हाउस बोट में स्टे कर रहे हैं, ये जगह पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हाईलाइट नहीं किया था, पर वो उनको एज अ बर्ड वॉचिंग प्लेस ही देख रहे थे। तो ये फिर मैंने नोटिस किया बहुत टाइम के बाद, और अब मैं वापस आया हूँ तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये बर्ड वॉचिंग प्लेस है। जब इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट लोगों ने बताया है तो मैं अब इसको हाईलाइट करना ईजी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खाली अब जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, हमारे लोकल्स हैं, वो इनको इसको भी यहाँ पर आए और उसको फील करें जैसे उन्होंने फील किया। तो आप बहुत सारी कंट्रियाँ घूमे हैं, तो एक अचानक से आप यहाँ का आना क्योंकि अम्मी का ख्वाब था, अम्मी यहाँ पर फीड कर रही थी? जी जी जी। दो साल पहले मेरी अम्मी यहाँ से अल्लाह को प्यारी हुई, तो हमारे साथ नहीं है, तो वो बहुत बड़ा एक सदमा मेरी ज़िंदगी में हुआ है, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा। और फिर जो भी उसकी अच्छी चीज़ें थी तो मेरे दिमाग में हमेशा बैठ रही थी। तो जो भी उसकी मतलब जो उसका पैशन था, ये बड़ा मैंने उस ये एक बड़ा पैशन था कि जब वो उठती थी पहले खुद खाने से पहले वो चिड़ियों को उन दाना डालती थी, बाकी पक्षियों को। तो फिर मैंने नोटिस किया कि यही सबसे अच्छा है कि जैसे वो करती रहती थी, इसी वर्क को आगे फर्दर करूँ। तो अब मैं वापस आया हूँ 2 महीने से, तो इसी चीज़ में लगा हूँ अभी। जो आपका काम था जो आप कर रहे थे, क्या आपने उसको छोड़ा कि आप वो कंटिन्यू कर रहे हैं? जो मेरा प्रीवियस वर्क था, तो मैंने दिल्ली में रहता था उसका, तो वो मैंने क्विट किया क्योंकि मैंने बहुत टाइम दिल्ली में काटा है, तो वहाँ कोई डिज़ायर नहीं रहे कुछ जाने के लिए वापस, क्योंकि एक सिटी लाइफ है और एक लेक लाइफ है। तो अब मेरा जो दिल है वो भर गया सिटी लाइफ से, और मेरे को वो पसंद नहीं है, गाड़ी का शोर, लोग वगैरह। तो मैं कभी भी आप वहाँ काम करने नहीं जाऊँगा, तो मैं एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जो कि मुझे लेक में मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं पक्षियों के साथ हूँ, रिलैक्स हूँ, कोई शोर नहीं, कोई मोटर का ये नहीं, नेचर बिल्कुल साफ़ है, तो अब हवा भी बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं यहीं पे मैं अपनी ज़िंदगी काटूँ। तो कितने सारे जानवर से हम रहते हैं, कौन कौन सा जानवर आता है यहाँ पे? बहुत मुख्तलिफ जानवर रहते हैं, तो यहाँ पे एक पॉन्ड हिरन है, और यहाँ पे कॉमन मॉर्न मिलेगा आपको, ग्रेबी मिलेगा, क्रेन भी आते हैं, इगरेट भी है यहाँ पे, ईगल्स और किंगफिशर की अच्छी ब्रीड भी आती रहती है, वुड पैकर भी आते रहते हैं, तो यहाँ पे पैरट्स भी आते हैं, यहाँ पे मैना और के स्पैरोज भी मिलते हैं आपको यहाँ पे, मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ बर्ड्स की ब्रीड दिखेगी। और विंटर टाइम में आपको ज़्यादातर मलाड मिलेगा, जो कि फ्लाइंग डक्स है, जो कि माइग्रेंट बर्ड्स वो आते रहते हैं। तो यहाँ पे कभी कभार जब उनको शोर डार्कनेस होती है तो तभी वो लैंड करते हैं, तो उनके लिए हम खाना वगैरह डालते रहते हैं टाइम बाय, तो बाद में वो आते हैं खा के निकल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा पीक टाइम होता है कि जब जानवर बहुत सारे आते हैं यहाँ पर, आप उनको फीड करते हैं? यहाँ पे जानवरों का टाइम जो है, वैसे ही तो हर महीने में यहाँ पे कोई ना कोई जानवर ऐसा मिलेगा आपको कि कभी देखा नहीं होगा। और जो टाइमिंग ज़्यादातर जानवरों की है वो मॉर्निंग से इवनिंग की है, मॉर्निंग जो है अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में आते रहते हैं, ज़्यादा मॉर्निंग में ही आते रहते हैं, तो वो एक टाइम है। तो बाकी हर एक महीने में आपको कोई ना कोई नई
नई ब्रीड आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। तो अब आपका क्या ख्वाब है, क्या आप इस रिजॉर्ट को बढ़ाना चाहते हैं? माशाल्लाह ये तो सब अल्लाह के हाथ में। मैं चाहता हूँ कि ये जगह पॉपुलर हो जाए और यहाँ पे लोग आए, देखे, लोकल्स आए यहाँ पे, वो बैठे, तो यहाँ पे एक छोटा रेस्टोरेंट मैं खोलूँ, एक कैफ़े, तो वहाँ पे बैठे आराम से इंजॉय करें लेक व्यू का, और अपना जो स्ट्रेस है, जो डेली लाइफ की स्ट्रेस है, वो उससे ख़त्म हो जाए। क्योंकि आजकल की जो ज़िंदगी है ये हमारे दिमाग में बस ही है, इंटरनेट के, सोशल मीडिया है, ये तो पूरा जहन तबाह कर रहा है। हम दो मिनट भी अपना फ़ोन नहीं छोड़ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आए और इस चीज़ को, जो कि मोमेंट, इन्जॉय करें इस मोमेंट को इन बर्ड्स के साथ। क्योंकि हमारा जो हमारा ये जो सोशल मीडिया, ये इंटरनेट का ये मोबाइल सिस्टम हो गया, तो इसने हमारी ज़िंदगी को खामोश ख़त्म कर दिया है। क्योंकि हम इसके बाहर कुछ देख ही नहीं सकते हैं। तो जो कि अल्लाह ने बनाया, पहले तो हम इसके बगैर अच्छी ज़िंदगी काटते रहते थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। अब तो फ़ोन भी आ गया तो हम ये डिस्कनेक्ट ही हो गया। जी 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 जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग आए और इन्जॉय करें नेचर का, नेचर में रह रहे और नेचर का इन्जॉय करें। तो ये मेरी मैसेज है। जिलडल जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं या लोकल्स जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या आप कोई ख़ास यहाँ पर कुछ चीज़ रखेंगे कि वो यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो? जी, जिलडल में लोग जो भी आएंगे, जैसे शिकार में आ रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आप घाट नंबर 1 से घाट नंबर 15-20 तक जो भी जितने भी शिकार आए, वो लोग इनको लेके जाते हैं आगे, वो लेक को दिखाने के लिए, बाद में उनको लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए। तो कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे लोग आए और कुछ इंजॉय करें, अलग कुछ हो जाए। खाली बैठे बैठे उनको शिकार में भी बोर हो जाता, मैं खुद बोर हुआ हूँ बहुत बार। तो इसलिए उनको, उनके लिए अच्छी चीज़ है कि अगर वो कहीं पे आधा एक घंटा सुकून से बैठे, बर्ड्स को देखे, तो एक रिफ़्रेश हो जाएगा उनके माइंड के लिए। तो वो इसमें ऐड होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है लेक में कि जिससे वो उठे। उनको या उठना पड़ेगा एक पानी बोतल ख़रीदने के लिए, या उठना पड़ेगा उनको कुछ चाय पीने के लिए, या उनको उठना पड़ेगा कि शॉपिंग करने के लिए। बाकी तो वो बेचारे शिकारा में ही है। तो कोई एक्टिविटीज़ ऐसी नहीं है कि जहाँ पर वो बैठे सुकून से शिकारा छोड़ के एक नज़ारा, एक लेक का मज़ा उठाए। क्योंकि बाहर यूरोप में अगर कोई बंदा या आउट ऑफ इंडिया जो भी स्ट्रेस हो जाता है, वो लेक के बाहर ही, लेक के करीब ही बैठता रहता है। तो इसमें कुछ कशिश है जो इंसान की वो एनर्जी निकाल सकता है, वो बाहर निकाल सकता है। जब आप लेक में ही हो तो नेगेटिव एनर्जी आपको खुद ब खुद निकल जाएगी। तो इसलिए ऐसी जगह होनी चाहिए जो बर्ड्स को देख के एक घंटा अपने लिए, दो घंटा अपने लिए आराम से इंसान वो नेगेटिव एनर्जी, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एनर्जी को साथ में लेके जाएगा यहाँ से। क्या मैसेज देंगे आप आखिर में हमारे व्यूअर्स को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ हर एक से कि बी काइंड बर्ड्स के साथ, उनको प्रोटेक्ट करो, उनको फीड करो, और उनके लिए जो भी बचा हुआ खाना है वो डालो। क्या, क्योंकि हम तो हमारा ज़रिया है, हम कमा सकते हैं, हम मेहनत करेंगे, हम कमाएंगे, हम खरीदेंगे, पर इनमें कोई ये भी, इसको भी अल्लाह ने हमारे ऊपर ही डाला इनको। तो अगर हमारा बचा हुआ खाना है वो जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे रूफ़ के ऊपर हो, चाहे किसी भी जगह हो, उनको डालो वो खाना, और बस वही मेरी मैसेज, शॉर्ट मैसेज है उनको कि वो एंजॉय करे कि जो भी कर रहे हैं, पर इतना काम करे, एक छोटा सा काम, जो भी बचा हुआ खाना है वो डाल दे रूफ के ऊपर, तो चिड़िया खा सकती है उसको। शुक्रिया बात करने के। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।